birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nico. Happy birthday to you. Happy birthday. देखो अच्छा है ना. थैंक्स. यस यस यस. केक काटो काटो ना, मुहूर्त निकला जा रहा है. केक काटो ना, अब तो काटो. क्या अर्जुन, कल बर्थडे पार्टी अकेले अकेले एंजॉय किया? मारो सारे टकले को. शांत हो जा, लगा लगा. क्या रे गंजे, अकल नहीं है तेरे को? ए, क्या हुआ इसे? अर्जुन को बकरी ने डस दिया. कल मेरी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैंने तुम्हारा कितना वेट किया. अच्छा, कौन सा मेरे आने से तुमने अपना बर्थडे एंजॉय नहीं किया? जिसको आना था वो तो आ गया था ना गिफ्ट लेके, तुम्हारा चाहने वाला. मेरा चाहने वाला? ओ, तुम्हारा कहने का मतलब कुट्टी? अरे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है. देखो ये रहा उसका गिफ्ट. कुछ समझा अर्जुन? आने वाले टाइम में तेरी फोटो की जगह उसकी फोटो होगी. ये फूल दो माली हजम नहीं हो रहा है. ये कुट्टी तेरे कॉलर का सपोला है. ये तुझे छोड़ेगा नहीं अर्जुन, एक दिन जरूर तेरी गर्दन पे डसेगा. इसकी उम्मीद नहीं थी ना, तो अब बताओ वो अच्छा इंसान हुआ या बुरा? अगर वो हमें अलग करना चाहता तो मुझे इस तरह का गिफ्ट लाकर क्यों देता? अर्जुन बेकार में उस पर शक करना बंद कर दो, वो मुझे पसंद करता है. बस हंसकर मुझसे दो बातें करना चाहता है और कुछ नहीं. सच कह रही हूँ मैं, रियली He's a very nice guy. Nice guy तो मैं पैदा ही हूँ. देखा इस बंदर को, चुप के बातें सुन रहा था. चुप. देखो बॉस, तुम्हारा थोपड़ा देखने से उसे खुशी मिलती है, इसलिए मैंने वो फोटो दी. अगर मेरे खूबसूरत चेहरे से उसे खुशी मिलती तो मैं अपनी देता. वैसे हम दोनों के थोपड़े तो बंदर जैसे ही है बॉस, लेकिन थोपड़े से ज्यादा जरूरी है उसका प्यार. मस्त बोलता है ना. क्या बॉस, आप सिगरेट पीते हो? ये वातावरण के लिए नुकसानदेह है. अच्छी बॉडी बनाने के लिए वड़ा पाव खाओ, समोसा खाओ, तली हुई भजिया खाओ. बॉस मुझे गीता पसंद है. गीता को आप, इसलिए मैं आपको जबरदस्ती पसंद करता हूँ. नहीं तो आपकी औकात ही क्या है बॉस? मैं निकलता हूँ. आता रुकनी चाहे, उसने तेरी दो दो सिगरेट तोड़ दी, तुझे तेरी औकात दिखा दी, पूरे पौने 19 रुपए का नुकसान कर दिया और तूने कुछ नहीं किया. यार मुझे पता है क्या करना. लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है, प्यार से बात को सुलझाओ. टेंडर के लिए अब एक ही हफ्ता बचा है. मणि जी, मुत्तू को बुलाओ. अब ये काम वही करेगा. अगर मुत्तू भी ये काम नहीं कर पाया तो देखते हैं आगे क्या करना है. जी ठीक है. हाँ हाँ ठीक है, चलो भाई. आओ अर्जुन, खाना खा लिया? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? क्या बात है, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? मणि. जी सर. मुत्थू को अभी बुलाओ. मुत्थू
इसे कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है, देख क्या करना है, टेंडर का मैटर भी सेटल कर दे। चाहिए, इसने तो पहले से ही एक बॉयफ्रेंड बैकअप में तैयार करके रखा था। गीता, तुझे मान गए यार, एक लड़के के साथ शादी कर ले और दूसरे को बॉयफ्रेंड बना के घुमा। वैसे दोनों बहुत क्यूट हैं, तुझे सल्यूट है यार। एक हफ्ते में दो वैरायटी, हाँ? हाय। खुद को समझते क्या हो? कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। सब मेरी गलती है। शुरुआत में ही तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? जो मन करेगा करते रहोगे, सब तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करते रहेंगे। हर चीज की हद होती है और तुमने वो हद पार कर दी है। सारा कॉलेज मुझे ताने मार रहा है। नोटिस बोर्ड पर तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया। You are a bloody psycho. मुझे पाने के लिए कितना गिर गए तुम। जैसा तुम चाहते हो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी तो नहीं। तुमने दोस्ती का गलत मतलब निकाला। दोस्ती शब्द को बदनाम कर दिया। एक बात कान खोल के सुन लो। मैं सिर्फ अर्जुन को प्यार करती हूँ। दिलो जान से चाहती हूँ उसे। और मैं साबित करूंगी कि मेरा प्यार सच्चा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। I hate you. मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से। रो मत, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। आज के बाद दोबारा मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगा।